हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल फेस पैक। क्या होता है कि जब हम सर्दियों में कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन रहती है कि कहीं स्किन ड्राई ना हो जाए, डलनेस हो जाती है, खिंची खिंची सी स्किन रहती है, फटी फटी खिंची खिंची सी स्किन रहती है। तो मैं एक ऐसा फेस पैक आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे ना तो स्किन ड्राई होगी, ना खिंची खिंची रहेगी, डलनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक ग्लोसी और बिल्कुल सॉफ्ट स्किन आपको मिलेगी। तो तीन इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें चाहिए होंगे। फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हमारा है वो है मलाई। मलाई से क्या होगा, इस फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट्स मलाई ही है। मलाई से क्या होगा, एक तो स्किन ब्राइट होगी और दूसरा जो मेन है वो है नमी जो है स्किन की, वो अंदर ही लॉक हो जाएगी, ड्राई नहीं होने देगी। मलाई जो है हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी बल्कि हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाएगी। तो सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो हमारा है वो है बेसन। बेसन क्या करेगा, जो चेहरे के अंदर जो डलनेस आ गई है, जो डर्ट जो ओपन पोर्स जो होते हैं स्किन के, उनके अंदर जो डर्ट जो घुस गई है उसको खींच के बाहर निकालेगा, साथ ही साथ उसको जो है स्किन को लाइट करेगा। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है गुलाब जल। तो गुलाब जल का तो आप सबको पता ही है कितना फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। तो तीन इंग्रेडिएंट से हम अपना फेस पैक बनाएंगे। अच्छा, ये फेस पैक जो हम बना रहे हैं ये नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन वालों के लिए है। अगर ऑयली स्किन वाले इसे यूज करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो मुल्तानी मिट्टी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों को के लिए तो वरदान होती है। उनको जो है उससे इतना नुकसान, बल्कि कुछ भी नुकसान नहीं होता, बहुत बेनिफिट ही होता है मुल्तानी मिट्टी से, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो ऑयली स्किन होती है उससे जो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसको खींच लेती है और स्किन को लाइट, ब्राइट और टाइट करती है। तो अगर ऑयली स्किन वाले इस फेस पैक को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो जो है मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन वाले हैं वो मुल्तानी मिट्टी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक चम्मच मलाई। एक चम्मच मलाई हमने यहाँ पे ले ली है। अब एक चम्मच हमें यहाँ पर लेना है बेसन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमें जो है गुलाब जल लेना है। अब एक अच्छा सा बिल्कुल स्मूदी क्रीमी पेस्ट हमें यहाँ पर बना लेना है, तीनों चीजों को मिक्स करके। ये देखिए, अगर लगे कि ये पेस्ट जो है टाइट है तो थोड़ी सी जो है मलाई या फिर गुलाब जल हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा टाइट है, थोड़ी सी जो है मलाई मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। और एक अच्छा सा जो है क्रीमी पेस्ट हमें यहाँ पर बना लेना है। तो ये देखिए सारी चीजें हमने यहाँ पर मिक्स कर ली हैं और एक अच्छा सा क्रीमी स्मूथ पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले अपने चेहरे को प्लेन वाटर से, नॉर्मल पानी से आपको धो लेना है और उसके बाद हमें इसको जो फेस पैक को लगाना है। 15 से 20 मिनट हमें इसको लगा कर रखना है। जब ये बहुत ज्यादा सूखने नहीं देना है, जब ये गीला गीला सूखा सूखा सा रह जाए, थोड़ा सा सूख जाए, थोड़ा थोड़ा सा गीला रह जाए, तब इसको जो है अपने फिंगर की टिप्स से सर्कुलर मोशन में इस तरह जो है करते हुए आपको उतार लेना है। ठंडे पानी से ही अपने जो है चेहरे को फिर से दोबारा धो लेना है। एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी स्किन में ना तो ड्राइनेस आएगी, एक बिल्कुल कोमल सॉफ्ट स्किन आपकी होगी, ग्लोसी स्किन, शाइन करेगा आपका चेहरा। उसके बाद आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर अपने फेस पर जो है एलोवेरा जेल की मसाज कर लेनी है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए कैसे भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए
एक ब्रश की हेल्प से भी आप इसको लगा सकते हैं, फिंगर्स की हेल्प से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ थोड़ा सा, बहुत पतला नहीं जो है बनाना है हमें पेस्ट, मीडियम रखना है ताकि इसका हमें अच्छे से रिजल्ट मिल सके। ये देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है हमें इससे मिलेगा, ना तो स्किन ड्राई होगी बल्कि एक सॉफ्ट और ग्लोसी स्किन हमें मिलेगी। तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद ये होगा। नॉर्मल स्किन वाले और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो नहीं लगा सकते मुल्तानी मिट्टी, खासकर सर्दियों में, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो हमारे जो स्किन के अंदर जो ऑयल होता है उसको खींच लेती है, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ये देखिए 15 से 20 मिनट इसको रखना है, उसके बाद हमें इसको वॉश कर लेना। तो फ्रेंड्स ये देखिए 15 से 20 मिनट मुझे जो है ये अप्लाई किए हुए हो गया है, इसको लगाए हुए हो गया है, और ये काफी हद तक जो है सूख भी गया है। बिल्कुल नहीं सूखा है क्योंकि पूरा हमें इसको नहीं सुखाना है, क्योंकि फिर जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तो उतरने में जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, स्किन खिंचेगी, तो पूरी तरह से हमें इसको नहीं सुखाना है। ये देखिए काफी हद तक ये 70% ये सूख गया है। अब हमें क्या करना है, अपने फिंगर को पानी में डिप करना है और ऐसे सर्कुलर मोशन में जो है इसको उतारना है, क्योंकि जो बेसन है वो सिर्फ हमारी स्किन को लाइट ब्राइट नहीं करता, वो जो है स्कर्व का काम भी करता है, और साथ ही साथ जो जो डेड स्किन जो होती है, डेड स्किन जो आ जाती है समय समय पर, उसको बहुत अच्छे से रिमूव करता है बेसन। तो बेसन के काफी सारे फायदे हैं, स्किन लाइट भी करता है, ब्राइट भी करता है, स्कर्व का काम भी करता है, और जो डेड स्किन आ जाती है उसको भी आसानी से हटा देता है। तो ऐसे थोड़ा सा फिंगर पे पानी में डिप करके उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे इसको वॉश कर लेना। तो चलिए अब इसको वॉश कर लेते हैं। ये देखिए वॉश करने के बाद बिल्कुल क्लीन हो गई है स्किन, और एक हल्की हल्की सी चमक इसमें आ गई है। बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है, क्योंकि जो मलाई हमने इसमें डाली है वो स्किन को ड्राई होने ही नहीं देगी, एक बिल्कुल स्मूथ जो है स्किन हमें मिलेगी। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और अपने जो है फेस पर उसकी मसाज करनी है, 2 से 3 मिनट उसकी जो है मसाज करनी है, ताकि जो ये नमी है जो स्किन के अंदर ये बिल्कुल लॉक हो जाए, स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो, और साथ ही साथ एक ग्लोसी स्किन हमें मिलेगी। एलोवेरा के फायदे तो आप जानते ही हैं, स्किन के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो थोड़ा सा जो है हमें एलोवेरा जेल लेकर उसकी मसाज कर लेनी है। देखिए 2 से 3 मिनट हमें उसकी मसाज कर लेनी है, बहुत ही अच्छी स्किन मिलेगी। पूरी सर्दियां जो है आपका चेहरा खिलखिलाता रहेगा, बिल्कुल कोई ड्राईनेस नहीं, कोई जो है डलनेस नहीं, बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोसी स्किन आपकी जो है फेस की रहेगी। आप इसे पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक सॉफ्ट और ग्लोसी स्किन हमें मिलने वाली है। देखिए आप खुद देखिए, दोनों जो है हाथों में अंतर देखिए, बिल्कुल स्किन जो है ये देखिए साफ भी हो गई है और शाइन भी कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा जो है ये वीडियो पसंद आया है, मेरा जो फेस पैक है आपको हेल्पफुल लगा है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।